नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, यूपी NHM 17,000 प्लस पोस्ट भर्ती रिजल्ट महत्वपूर्ण सूचना, सभी अभ्यर्थी बहुत ध्यान से सुने। सबसे पहले वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। दोस्तों, लगभग जो है आप लोग देख रहे हैं कि साल भर नियर अबाउट होने वाले हैं आपके यूपी NHM 17,000 प्लस जो भर्ती है, रिजल्ट का कोई अता पता नहीं चल रहा है। जब भी जो है NHM ऑफिस में बात की जाती है तो वहाँ से यही आश्वासन मिलता है कि आपका रिजल्ट अंडर प्रोसेस में, आप लोग घबराएं ना। लेकिन दोस्तों, घबराने की बात क्यों नहीं है, जब भी जो है रिजल्ट की बात आती है तो इन लोगों का यही होता है कि आपका रिजल्ट जो है अंडर प्रोसेस में है और पेंडिंग में चल रहा है, आप लोग जो है थोड़ा धैर्य बना कर रखें। लेकिन दोस्तों, अब वह दिन आ गया है आप लोगों को जो है यह सब बिंदु को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि 5 अक्टूबर यह जो है आपके लिए निर्णायक दिन होगा। दोस्तों, 5 अक्टूबर का दिन जो है निर्णायक होगा और 5 अक्टूबर को ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी लखनऊ पहुँचें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जितना आप लोग वहाँ पहुँचेंगे उतना ही बढ़िया रहेगा। आप लोगों को शांतिपूर्वक वहाँ पर NHM ऑफिस में जाकर जो है बात करना है और आपको जो है एक लेटर देना रहेगा कि हमारी भर्ती पर क्या हो रहा है, क्योंकि आपको जानने का पूरा अधिकार है दोस्तों। और इसके साथ में 17,000 प्लस भर्ती का कट ऑफ से लेकर जो है कट ऑफ कितना जा सकता है और क्या है दोस्तों, यह सब जानकारी आपको NHM ऑफिस में तब मिलेंगी जब रिजल्ट आपका आएगा। जब रिजल्ट ही नहीं आएगा तो आपको जो है इन सब चीज़ों का क्या पता चल पाएगा। रही बात दोस्तों हर प्रोग्राम का कट ऑफ कितना जा रहा है, नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया कैसे लागू हो रही है और कैसे कैसे जो है आप लोगों के नंबर जो है घट बढ़ रहे हैं, यह सब जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। रिजल्ट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी लखनऊ पहुंच रहे हैं। हमारे संपर्क में जितने भी अभ्यर्थी हैं दोस्तों, वह जो है आज शाम को ही लखनऊ के लिए ट्रेन पकड़ ले रहे हैं, बस से जा रहे हैं। लखनऊ के आसपास के जितने भी अभ्यर्थी हैं, चाहे बाराबंकी के हों, चाहे जो है आपके सीतापुर के हों, लखीमपुर खीरी के हैं दोस्तों, उन्नाव के हैं, कानपुर के हैं, हरदोई के हैं, फैजाबाद के हैं, अम्बेडकर नगर, काफ़ी अभ्यर्थी जो है वहाँ पर रिजल्ट के लिए पहुँच रहे हैं कि रिजल्ट हमारा कब घोषित किया जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग जितने भी अभ्यर्थी यह वीडियो को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी लखनऊ पहुँचें और अपनी हक की मांग के लिए आगे बढ़ें और वहाँ पर लेटर दें। उस लेटर में यही रहेगा कि यूपी NHM 17,000 प्लस पोस्ट भर्ती रिजल्ट के बारे में, और कुछ इससे ज़्यादा नहीं रहेगा। वहाँ पे शांतिपूर्वक आप लोग को बैठना रहेगा। रिजल्ट दोस्तों बनकर तैयार हुआ है नहीं हुआ है यह आप लोगों को पता चल जाएगा 5 अक्टूबर को, यानी कल के दिन की बात मैं कह रहा हूँ। वहाँ से जो भी अपडेट मिलेगी, बहुत से अभ्यर्थी जा रहे हैं दोस्तों, आप लोगों को यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमारे सूचना मिलती रहेगी। और इसके पहले भी दोस्तों यही बताया गया था कि सितंबर माह में आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा, अक्टूबर में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, या सितंबर लास्ट तक जो है जो वहां पर अभ्यर्थी गए हुए थे इसके पहले, उन लोगों से यही बताया गया था कि आप लोग घबराएं ना, अगला मंथ जो है आप लोग के लिए खुशखबरी का रहेगा। लेकिन दोस्तों, अगला मंथ बीत भी गया, यानी अब जो है आज आप लोग देख सकते हैं 4 अक्टूबर हो गया है, अभी तक कोई भी ऑफिशियल नोटिस, कोई भी कुछ भी जो है अभी NHM ऑफिस की ऑफिशियल नोटिस पर जो है ऑफिस कुछ नहीं आया हुआ है। बस क्या आ रहा है तो जो टेंडर से संबंधित आ रहा है, नई भर्ती के लिए जो है कौन सी एजेंसी जो है कराएगी, उसके लिए जो है टेंडर पास हो रहा है। जैसे इसके पहले सैम्स वगैरह जो आए थे दोस्तों, आप लोग जानते ही होंगे। तो यह सब बहुत बड़ा मुद्दा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, जितने भी भाई बहनों तक पहुँच रही है, वह लोग यह ध्यान ना दें, क्योंकि दोस्तों यह अक्टूबर हो गया है, दिसंबर में आप लोगों की परीक्षा हुई थी, बस 2 महीने और बचे हैं। अगर रिजल्ट नहीं आता है तो साल भर लगभग हो जाएगा, 10 महीने नियर अबाउट क्लियर बीत चुके हैं आप लोगों के। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ हूँ, जहाँ तक हो सकेगा मैं भी आप लोगों की हक की लड़ाई के लिए अपनी आवाज़ को आगे उठाऊंगा, आप लोगों के साथ खड़ा रहूँगा। आप लोग एकदम घबराए ना। और इसके साथ में दोस्तों, PET की क्लास चालू हो गई है, PET के लिए आगे जो है जल्द ही आप लोग का एडमिट कार्ड भी जारी हो जाएगा, परीक्षा भी आपकी जो है निर्धारित हो गई है, कब होना है सभी को पता है, तो इसलिए आप लोग क्लास को
बहुत अच्छे से अटेंड करें, स्किप ना करें। बहुत अच्छा प्रश्न आप लोगों के लिए चल रहा है। और इसके साथ में नई भर्ती जो यूपी ट्रिपल एससी से आने वाली है और एनएचएम से आने वाली है, वह आप लोग को यूट्यूब चैनल के माध्यम से समय समय पर अपडेट मिलती रहेगी। यह रही दोस्तों आज की महत्वपूर्ण अपडेट। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे दोस्तों, उतना अभ्यर्थियों के पास पहुँचेगा, उतने ही अभ्यर्थी इकट्ठा होंगे और उतना ही अच्छी बात वहाँ पर बन पाएगी। ज़्यादा संख्या बल रहेगा तो आपकी बातें ज़्यादा सुनी जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।